बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो है वेक्टर एडिशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी नेगेटिव, फॉर व्हाट कंपोनेंट विल इट्स कंपोनेंट है ऑपोजिट साइन। वेक्टर ए जो है इन एक्स वाई प्लेन में है, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी नेगेटिव, कि किस ओरिएंटेशन में हम उसको लगाएंगे कि उसके दोनों कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। फॉर व्हाट कंपोनेंट विल इट्स कंपोनेंट है ऑपोजिट साइन, और उनके कंपोनेंट जो है उनके साथ ऑपोजिट साइन कैसे है। फिगर शोज साइन विद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर्बिट्रेरी वेक्टर ए इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर वेदर द वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी नेगेटिव। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हैव ऑपोजिट साइन व्हेन द वेक्टर लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके सामने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनें हैं जो ओरिजिन ओ पे एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं। तो इस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव, इस तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव। अब ये है एक्स वाई प्लेन, इसमें देखें ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो जो एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट आएगा यहाँ एक्स भी अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे देखें वाई कंपोनेंट जो है इसको पॉजिटिव टच कर रहा है तो इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, और ये एक्स एक्सिस है इसको नेगेटिव टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो। इसी तरह अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये देखें एक्स कंपोनेंट वो भी नेगेटिव और वाई कंपोनेंट वो भी नेगेटिव। इसी तरह जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें ये देखें ये एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस जो है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि पहले में तमाम पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ वाई पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। If one of the rectangular component of a vector is not zero, can its magnitude be zero? Explain. अगर किसी वेक्टर का कोई एक कंपोनेंट जीरो ना हो तो क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। वो इसलिए इफ वेक्टर ए एक्स यानी वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड ए वाई वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, then the magnitude of the vector is described by a का भी जो magnitude है वो आपके पास है, यानी a x square plus a y square under root। अब आप देखें कि अगर इनमें से अगर एक भी component ना zero, अगर j ना zero हो तो तब भी इसका magnitude आ जाएगा, अगर j zero होगा, j ना zero तब भी इसका कोई ना कोई magnitude आ जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक component zero ना हो तो vector का magnitude zero नहीं हो सकता। It is clear from the expression that the magnitude of a vector will be zero only if all of its rectangular components are zero। अगर ax भी zero हो, ay भी zero हो तो तब हम कह सकते हैं कि उस vector का magnitude जो है वो zero हो सकता है। Therefore if one of the component is not zero then the magnitude of vector cannot be zero। अगर कोई एक भी component जो है वो zero ना हो तो फिर magnitude zero नहीं हो सकता। Next question है जी, कैन ए वैक्टर हैव ए कंपोनेंट ग्रेटर दैन वैक्टर मैग्नीट्यूड। क्या किसी वैक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो वैक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नो, द कंपोनेंट ऑफ वैक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर दैन वैक्टर मैग्नीट्यूड। किसी वैक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो वैक्टर के अपने मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ वैक्टर is its effective value in specific direction।
क्योंकि कंपोनेंट जो होता है वो उसी वेक्टर की एक खास डायरेक्शन में उसका एक जोज होता है। फर्ज करें कि इफ ए एक्स यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला ए मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट कैन बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फर्ज करें कि अगर इसमें से आप ये कहें कि ए ए एक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर हो सकता है, ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, वो भी उसी सूरत में जब यानी ए वाई कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाए। इसी तरह ए वाई कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम उसी सूरत में हो सकता है जब ए एक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई एक कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वेक्टर के अपने मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वेक्टर एडिशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, पहले हमने वेक्टर की एडिशन आपको हेड एंड टेल रूल के तरीके से या ग्राफिकल तरीके से समझाई थी। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में किस तरह जमा कर सकते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट बाय लाइन ओ एम एंड एफ पी। ये आपके सामने एक वेक्टर ए है जिसको हमने वेक्टर ओ एम से जाहिर किया गया और दूसरा वेक्टर ओ बी है ये आपके सामने यानी ओ एल लाइन से जाहिर किया गया। अब हम इस इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और इनको हम जमा करेंगे कंपोनेंट की सूरत में। द वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए बाय हेड एंड टेल रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन एज शोन इन द फिगर। अब हम क्या करेंगे, यहां से वेक्टर बी को हटाएंगे और वेक्टर ए के हेड से इसको उसी तरह रख देंगे। तो हेड एंड टेल रूल के जरिए ये ओ एम वेक्टर ए है और यहां यानी ये वेक्टर एम पी वेक्टर बी है। तो हेड एंड टेल रूल के तरीके से हमने वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाया तो ये आर आपके पास ए प्लस बी यानी रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी का। अब हम इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। रिजल्टेंट आर इक्वल ए प्लस बी इज रिप्रेजेंट बाय द लाइन ओ पी। ये जो लाइन ओ पी है ये रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को जाहिर करती है। लेट ए एक्स बी एक्स एंड आर एक्स आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए बी एंड आर एंड देयर मैग्नीट्यूड आर गिवन बाय द लाइन ओ क्यू। ये लाइन ओ क्यू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है। और इसी तरह एम एस एम एस बी बी एक्स 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 कंपोनेंट अलोंग जो एक्स एक्स है बी का उसको जाहिर करती है। और इसी तरह ओ आर यानी ओ आर वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो ओ आर से जाहिर किया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए को यहां से ए पर पेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर लाते हैं तो ये ए एक्स आपके पास ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ जाता है। इसी तरह आप क्या करेंगे, यहां वेक्टर ए से फर्ज करेंगे इस तरफ आपने एक मैग्नीट्यूड कराया वाई एक्सिस पर तो ए वाई आपके सामने एक वेक्टर आ जाता है जो यानी इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह ये आपके सामने बी वेक्टर है, यहां फर्ज कर लें कि ये एक्स एक्सिस आपने ड्रा किया है तो यहां से आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर कराएंगे तो एम एक्स यानी बी एक्स जो जिसको रिप्रेजेंट करता है यानी ये आपके सामने बी का अलोंग एक्स एक्सिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाता है। और यहां से जब आप पॉइंट बी से वाई एक्सिस पर कंपोनेंट कराएंगे परपेंडिकुलर कराएंगे तो बी वाई आपके सामने यानी बी का वाई एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाता है। अब अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखना चाहते हैं यानी इसका वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस हो तो हम पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर करा देते हैं। अब हम ये देखें कि ओ क्यू ए ए एक्स को जाहिर करता है यानी ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस
और इसी तरह एम एस जो है ये क्यू आर के इक्वल है, ये इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये बी एक्स है, तो इसका मतलब हो गया कि यहां से लेकर यहां तक ये वेक्टर बी का कंपोनेंट है लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहां ओ से लेकर आर तक ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आर एक्स हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि आर एक्स यानी रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह जब हम यहां से परपेंडिकुलर जाते हैं वाई एक्सिस पर, तो ये फर्क कर लें कि आर पी के इक्वल है, तो यहां ए वाई जो है यानी ये कंपोनेंट ए वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, और एस पी बी वाई जो है ये बी वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। तो ये जो वेक्टर है आर वाई, ये तमाम यानी इस वेक्टर का कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है आर वाई। तो ये किसके बराबर हो गया, ए वाई प्लस बी वाई। तो इस तरह हमने निकाल लिया आर वाई ए वाई प्लस बी वाई। अब अगर हम ये देखें कि यूनिट वेक्टर की सूरत में लिखें, तो आपके सामने आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम ये वेक्टर को यानी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। आर एक्स की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी वो ए एक्स प्लस वी एक्स थी साथ आई यूनिट वेक्टर, प्लस आर वाई की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी ए वाई प्लस बी वाई साथ जे यूनिट वेक्टर। अब हम अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्केयर लेंगे, वाई कंपोनेंट टोटल का स्केयर लेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज आर मैग्नीट्यूड इक्वल आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर अंडर रूट। तो आर एक्स की वैल्यू आपको मालूम है ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो इसका स्केयर। इसी तरह y कंपोनेंट जो है आर वाई कंपोनेंट वो आपको मालूम है कि ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है, तो इसका स्केयर लेंगे और तमाम का अंडर रूट ले लेंगे। तो ये आपके सामने इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्योंकि वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर थीटा एंगल बनाता है एंगल से शो करते हैं, तो थीटा एंगल जब हम बयान कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो एंगल थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे कि टैन थीटा की रेशियो किसके बराबर होती है, आर वाई कंपोनेंट ओवर आर एक्स कंपोनेंट, यानी इस आर वाई कंपोनेंट को हम डिवाइड कर देंगे आर एक्स कंपोनेंट पे, इसका मतलब अमूद ओवर कायदा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये tan थीटा के बराबर है, ये एंगल x एक्सिस का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल थीटा साथ है बनाता है। तो अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो tan इनवर्स दूसरी तरफ इनवर्स ले लेंगे। तो अगर ry की कीमत पुट करें तो ay plus by, अगर rx की वैल्यू पुट करें तो ax plus bx। इसका मतलब एंगल थीटा हम tan इनवर्स और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होंगे उनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे और इस तरह एंगल थीटा आ जाएगा, हो सकता है 45 डिग्री हो या 50 डिग्री हो, जितना भी हुआ वो आपको डायरेक्शन जाहिर करेगा। जनरलाइजेशन, आप ये तो पहले हमने दो वेक्टर्स लिए यानी ए वेक्टर था बी वेक्टर था, इनके इसको हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, ए वेक्टर को भी बी वेक्टर को भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। हो सकता है कि हमारे पास तीन वेक्टर हो, अगर ए बी सी तीन वेक्टर हो फर्ज करें, तो जो तीसरा वेक्टर होगा उसको भी हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, और जब हम रिजल्टेंट का आर एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो तीसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी पहले दो में जमा कर देंगे। इसी तरह जब तीसरे वेक्टर का हम वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे, तो जब रिजल्टेंट वेक्टर का हमने वाई कंपोनेंट मालूम करना है तो हमने उन तीनों वेक्टरों के जो वाई कंपोनेंट है उनको जमा करना है। और इसी तरह अगर हमारे पास फर्ज करें कि n वेक्टर्स दिए गए हैं, ए बी सी डी n तक दिए गए हैं, तो जितने भी वेक्टर आपको दिए गए हैं रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट निकालने के लिए आपने उनके उन तमाम वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उनको जमा कर लेना है, और रिजल्टेंट वेक्टर का जब आपने y कंपोनेंट निकालना है तो तमाम वेक्टर के जो y कंपोनेंट है आपने उनको जमा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है लॉन्ग y एक्सिस उनको जमा कर लेना है। तो फर्ज करें
If R is the resultant vector of a large number of coplanar vector represented by A, B, C, etc., then the expression for the magnitude of the resultant will become, यानी पहले ये थे, ये देखे कि अगर दो वेक्टर थे ax plus bx, इसका अंडर रूट, इसका हम स्क्वायर लेते थे, इधर ay plus by, इसका स्क्वायर ले लेते थे, अंडर रूट ले लेते थे। अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं तो cx तक चला जाएगा, अगर n वेक्टर हैं तो डॉट लगाए हुए हैं, जितने भी वेक्टर हैं, अगर ये असल में ये चीज जो है ये जाहिर करती है रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट को, और ay plus by plus cy plus डॉट लगे हुए हैं, ये चीज जाहिर करती है रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट को। ये है x कंपोनेंट का स्केयर, ये है y कंपोनेंट का स्केयर, जितने भी वेक्टर होंगे अकेले अकेले का हमें x और y कंपोनेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट का x निकालने के लिए इस तरह और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट निकालने के लिए इस तरह, आप स्केयर लेंगे दोनों का, स्केयर लेने के बाद उसका अंडर रूट लेंगे और आपके पास जितने भी वेक्टर होंगे उनका उनका रिजल्टेंट आपके सामने मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आपने थीटा निकालना है तो फिर वही बात कि आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट के y कंपोनेंट को रिजल्टेंट के x कंपोनेंट पे तकसीम कर देंगे, और अगर आपने थीटा की वैल्यू निकाल दे टैन इनवर्स की रेशियो लगा देंगे तो आपके सामने एंगल थीटा आ जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन को। इफ ए प्लस बी जीरो, आपके पास कोई दो वेक्टर है ए प्लस बी, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो के बराबर है, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स, हम दोनों वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में इसे क्या नतीजा हासिल करते हैं। ए प्लस बी अगर जीरो है, दिस अप्लाइज दैट ए बराबर माइनस बी, इसका मतलब ये है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन मुख्तलिफ सिमत में। दीज वेक्टर कैन एक्ट एज इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख लें तो ए एक्स आई यानी ए की वैल्यू, ए का एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई ए का वाई कंपोनेंट अलोंग वाई वाई एक्सिस, इसी तरह माइनस की माइनस आ गया, बी की जगह बी एक्स साथ यूनिट वेक्टर, बी वाई साथ जे यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको कंपोनेंट की सूरत में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब माइनस को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एक्स, अगर हम कंपेरिजन करें तो ए एक्स इक्वल माइनस बी एक्स, ए वाई इक्वल माइनस बी वाई, तो इस इक्वेशन से हम ये डिडक्ट करते हैं कि ए एक्स कंपोनेंट, अगर ए उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसके दूसरे वेक्टर के यानी नेगेटिव के बराबर आ जाता है, और उसका जो वाई कंपोनेंट है दूसरे वेक्टर के माइनस वाई कंपोनेंट के बराबर आ जाता है, हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाउ अबाउट द वेक्टर, टू वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड गिव ए रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं जिनका ए की मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है, उनको किस तरह ड्रा करें कि उनका रिजल्टेंट जो है वो भी उनके अपने ही मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये आप देख रहे हैं ये वेक्टर ए आपके सामने है, ये वेक्टर बी आपके सामने है, हम इन दोनों को किस तरह ड्रा करें कि इनका रिजल्टेंट है उनका भी मैग्नीट्यूड उतना ही आ जाए जितना ए का है या बी का है, ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर वो तीनों वेक्टर इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में होंगे, ए का वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनका ये जो रिजल्टेंट है इनका मैग्नीट्यूड जो है फिर इक्वल आ जाएगा। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर कंबाइंड टुगेदर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड व्हेन दे एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर जो तीनों वेक्टर यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर और उनका रिजल्टेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को जाहिर करेंगे तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है तीनों वेक्टर का यानी ए वेक्टर का, बी वेक्टर का और ए और बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फिर बराबर होगा। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हिच एक्ट अलोंग द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट दे मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास v वेक्टर है, a वेक्टर अलोंग x एक्सिस है और v वेक्टर जो है x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल 180 होता है तो 120 और बाकी ये एंगल जो बचता है ये 60 डिग्री है। बोथ वेक्टर आर एडेड बाय हैड टू रूल टू गिव रिजल्टेंट r, अब हम वेक्टर a को और वेक्टर b को हैड एंड टेल रूल के तरीके से
यानी जमा करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आर आपके पास सामने आ जाता है एज शोन इन द फिगर बिलो, जैसा कि यहां जाहिर किया गया। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट आर इक्वल ए प्लस बी एंड आर मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड एज ऑल द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल लेंथ। जहां से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ए वेक्टर जो है फर्ज करें इसका मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है और ये लंबाई जो है तीनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड को साझा करती है, तो इसका मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड इक्वल बी का मैग्नीट्यूड इक्वल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। उसी सूरत में हो सकता है जब ये तीनों वेक्टर जो है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को जाहिर करेंगे।